हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम लोग स्टेगर कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टेगर। तो स्टेगर क्या होता है आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो ये स्टेगर होता है, ठीक है, ये तो फर्स्ट ट्रैक में स्टेगर नहीं लगता। देन यहाँ पर सेकंड ये है स्टेगर, यहाँ से सेकंड खिलाड़ी क्या है स्टार्टिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि हम लोग उससे भी पहले पार्ट में जो है रेडियस निकाले थे। रेडियस कितना होता है, यहाँ से जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से रेडियस हमारा 37.88 जो रेडियस होता है, ठीक है, यहाँ से दौड़ेंगे एक कोई प्लेयर, उसको 37 दौड़ना पड़ रहा है, उसमें 1.22 मीटर और आगे बढ़ाते हैं, ये सभी जानते हैं। तो ये आपका स्टेगर इसीलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा से इसका जो है डिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो सेकंड प्लेयर को यहाँ से अगर दौड़ेंगे तो ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है उसको आगे स्टेगर दिया जाता है। और ये स्टेगर का उपयोग केवल 200-400 मीटर में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो फास्ट रेसेस होते हैं, ठीक है, ट्रैक प्रतियोगिता में। और 200 मीटर में हाफ स्टेगर लगता है, तो 200 मीटर में हाफ स्टेगर कैसे लगेंगे और फुल स्टेगर 400 मीटर में कैसे लगेंगे, ठीक है, ये सभी कैसे निकालते हैं इसको हम सीधा डायरेक्ट देखेंगे वीडियो लंबा ना करते हुए। ये इसकी जो दूरी होती है उसको कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, W ब्रैकेट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.10 इंटू 2π। तो ये है आपका स्टेगर का फॉर्मूला। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये W क्या होता है, विड्थ ऑफ लाइन, ठीक है, तो ये लाइन होता है कितना 1.22 मीटर का होता है चौड़ाई जो है। इसके बाद देखेंगे ये n क्या है, n है नंबर ऑफ लेंथ। तो हम फर्स्ट का तो नहीं निकालते, यहाँ पर हम निकालते हैं सेकेंड का। तो यहाँ पर सेकेंड माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0.8 आपको ये फॉर्मूला याद रखेंगे 2π का। पाई का मान क्या होता है, 3, ये 22/7 भी लिख सकते हैं या 3.1416, ये आपका। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको स्टेगर निकालना रहता है। तो ये क्या है, विड्थ ऑफ जो ट्रैक होता है उसकी जो चौड़ाई होता है वो होता है 1.22 मीटर, और यहाँ पर ये होगा आपका n माइनस 1, तो सेकेंड लेंथ से ही निकाला जाता है, ठीक है, उसमें माइनस 1 करेंगे, देन माइनस 0.10 इंटू 2π। पाई का जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ये होता है पाई का मान 3.1416, ये इसको निकाला जाता है, इसको पाई का मान मानते हैं, 22/7 करके भी निकाल सकते हैं, तो सीधा सीधा इससे कैलकुलेट करने में आसानी होगा, ये अभी जानते हैं। अब ये हो गया, अब यहाँ से माइनस करेंगे 1.22 में 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12, देन इंटू कर देंगे 6.28 एंड 3 16 2 32, ठीक है। अब यहाँ टोटल या आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल गया 7.037 मीटर। तो ये राउंड फिगर में हम लोग लिखते हैं 7.04, ठीक है, ये फर्स्ट आपको स्टेगर हो गया। अब जैसे ही हम एक 1.22 मीटर हर स्टेप में बढ़ाते जाते हैं तो हमें कितना उसमें सीधा सीधा ये जान लेते हैं कि उसमें कितना बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें बढ़ाया जाता है, ये बढ़ता है आपका 767 मीटर सभी ट्रैक्स में बढ़ते जाते हैं सब स्टेगर के लिए। तो यहाँ पर 7.04 में अगर 7.67 मीटर बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 7714, ठीक है, ये हो गया 7714.674, इतना हो गया 1471। तो ये आप
आपका सेकंड स्टेगर मिल गया, इसमें 6-7 फिर प्लस कर देंगे। ये याद रखने के लिए है। ये क्यों बढ़ाते हैं, ये जब ट्रैक बढ़ता है तो इतना मीटर हमको आगे अधिक दौड़ना पड़ता है, तो ये आगे बढ़ते जाएगा, ये मीटर को हम सीधा बढ़ा देंगे तो स्ट्रेगर निकलते जाएगा। अब स्ट्रेगर को हम लोग कैसे कहाँ से लें ये सीखेंगे, चलते हैं अगले पेज में। तो सिंपल जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें आपका जो है स्ट्रेगर को सही तरीके से ऐसे सीधा सीधा ना पे खींच देंगे तो थोड़ा सा वो तीर्छा लाइन और अट्रैक्टिव नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसको हम लोग सीधा करने के लिए एक ओ पॉइंट लेते हैं सेंटर में। यहाँ पर ओ पॉइंट से ही हमें क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं, ठीक है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट में तो नहीं रहता है, यहाँ से हम लोग डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है ये आपका कितना हो जाएगा 7.04 मीटर, जो हम लोग यहाँ से नापे हैं वहाँ से ये आगे बढ़ा दिए। और ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट बोलते हैं, वो पॉइंट से हमको इसको सीधा मिलाना है, तो ये आपका एक स्ट्रेगर बन जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ से हम लोग फिर से आपका 14.71 या 71 होगा तो उसको आगे खींच देंगे। अब आगे खींचने के बाद उसको भी यहाँ से ही हमको सीधा मिलाना है, ठीक है, सेम प्रोसेस वही करना है आपको, आगे बढ़ाते जाना है इसको, और इस प्रकार से हमारा स्ट्रेगर आगे बनते जाएगा। तो ये फर्स्ट स्ट्रेगर, सेकंड, ठीक है, ये बनते जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ओ पॉइंट निकालना होता है। ओ पॉइंट निकाल के हमको स्ट्रेगर के जो हमें फॉर्मूला से जो प्राप्त हुआ है 7.04, फिर 6-7 मिला दिए तो 14.71, देन उसमें 7.67 प्लस करते जाएंगे तो आगे उनका जो मार्क मिलते जाएगा, उसको हम लोग उसी प्रकार से सीधा टेप से लेंगे, उसके बाद यहाँ से सीधा मिलाएंगे, तब जाके ये आपका सही स्टेगर आपका बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और कुछ जो छूटा होगा तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं शॉर्ट में जो छूट गया होगा उसको। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टेगर रेडियस है ना, तो ये आप W से विड्थ ऑफ द लेन, ये होता ही है, आप देख लीजिए फॉर्मूला। अगला है इसमें स्टेगर फॉर लेन नंबर 2 को ये निकाल चुके हैं, कैसे निकालते हैं देख लिए हैं, एक बार और देख लीजिए इसको अच्छे से, है ना, कि मिस्टेक ना हो। देन स्टेगर फॉर लेन नंबर 3, लेन नंबर 3 में क्या चेंजेस किए हैं, ओनली चेंजेस नंबर ऑफ लेन, ये है आपका 3, ठीक है, ये चेंज कर दिए हैं केवल। देन नेक्स्ट इसमें फोर्थ लेन के लिए भी देख लेते हैं, तो इसमें फोर्थ को नंबर बस चेंज हुआ है और बाकी एज इट इज आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, ये इसका आ गया। और मैंने उसमें एक चीज बताया था 7.67 मीटर है ना, उसे भी देख लेते हैं, अगले पिक में मिल जाएगा आपको ये। तो ये सर्कमफेरेंसेस जो होते हैं अपने रनिंग रेडियस का, ठीक है। देन ये आपका उसमें लेन नंबर 2 में ये बढ़ जाता है आपका 37.92 हो जाता है, जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरा अगर रनिंग रेडियस को, उसका सर्कमफेरेंस को, तो ये हो जाता है आपका 238.26 मीटर। तो ये हमें ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है पहले लेन की अपेक्षा। देन ये आपका थर्ड लेन के लिए आपको 39.14 मीटर दौड़ना पड़ता है, जो कि टोटल करेंगे उसको उसका पूरा सर्कमफेरेंस, तो ये होगा 245.93 मीटर। तो इसी कारण से हमें क्या करना पड़ता है, स्टेगर बनाना पड़ता है। तो एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन टू रनर, आप दोनों के डिफरेंस निकाल सकते हैं 238.26 मीटर और 245.93 को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 7.67 मीटर, ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ये इतना डिफरेंस होता है, तो इसी डिफरेंस को हमको प्लस करते जाना है आने वाले अगले स्टेगर के लिए, ठीक है। तो पहले में जो स्टेगर आता है 7.04 में आपको 7.67 मीटर को ऐड करेंगे, फिर उसमें 14.71 हो जाएगा, 14.71 में आप फिर 6.7 को, मतलब 7.67 मीटर को प्लस करेंगे तो फिर आपको 22.368 मीटर मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी 7.67 मीटर को प्लस करेंगे तो आपको आगे का स्टेगर का मार्क मिल जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, अवश्य शेयर करें अपने स्टूडेंट्स को। जय हिंद जय भारत।